बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा। अब हम लोग फ़राइज़ पढ़ेंगे। हेलो, हाँ हेलो हेलो, ये क्या आवाज़ आ रही है इसमें बार बार? चलो ठीक है। तो मैंने कल 3 मसले की मश्क करा दिया था आप लोगों से, और ये भी कहा था कि आप लोग याद करके आइएगा जो अहवाल है। याद करके आए हो ना? अच्छा ठीक है, ज़रा एक बार हाज़री बोलो। तो हाज़री बोल दो। अब्दुल अजीज शब्बीर अहमद, सिराज रब्बानी अब्दुल वहीद, मोहम्मद आफाक, मोहम्मद इस्माइल अता, आमिर नदीम, निसार अहमद अब्दुस्सलाम, कुर्रतुल आयन अब्दुस्सलाम, मुतीउर रहमान सैयद अली, मोहम्मद रैयान, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शफीक, सही मोहम्मद, अब्दुल वारिस, ठीक है अब्दुल वारिस, अबू साद, तौफीक अहमद, रहमतुल्ला, अब्दुल रहमान सईद, मोहम्मद आदिल, अब्दुल्ला अबू जर्रा। ठीक ठीक, जो कुछ जो भी लड़के हाजिर हों वो गौर से सुने और मसला लगाएं। हाँ जी, किस में करना? इस घंटी को असर बाद करना? नहीं जी, असर बाद करना वो ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ मसले बोलता हूँ और इसे गौर करके आप लोग लगाइए। आवाज़ ज़रा बेटा बंद कर लो, आवाज़ बंद कर लो, बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ तुम लोग क्या पूछ रहे हो मुझसे। हाँ ठीक 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 है, तो मैंने कहा था कि वो जो जौज अब इब्न, जौज अब और बिंद, ये 2-3 मिसालें मैंने लिखाई थी और लगाने का तरीका बताया था। इसको फिर से भी कर लोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए मैं एक मिसाल और बोलता हूँ, इसको लिखो मसला। कापी कलम लेकर के तैयार हो ना? चलो लिखो, जौज अब बिंतुल इब्न। चलो मोहम्मद इस्माइल लाइन पे हो? चलो तुम बताओ इसको किसको कितना मिलेगा। और जब किसी का हिस्सा लगाना ना, तो मैंने बताया था कि जोर जोर पढ़ करके लगाओ। जौज, हाँ मैयत है, और उसके बाद उसके कितने वर्षा हैं? इब्न कहाँ है जी? कहाँ बोला इब्न? बिंतुल इब्न बोला। जौज 3 वर्षा उसके हैं, जौज है, अब है और बिंतुल इब्न है, यानी शौहर है। एक औरत का इंतकाल हुआ, उसने अपने पीछे वर्षा में से अपने शौहर को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा और अपनी एक पोती छोड़ी है। किसको छोड़ा है? बिंतुल इब्न, पोती छोड़ी है। तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा? जौज को मिलेगा 1/4। क्यों 1/4 मिलेगा? क्यों 1/4 मिलेगा इसको बताओ?
हाँ लड़का नहीं जी, पोती है औलाद में। हाँ सब कुछ आता, ठीक 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 है, औलाद में सब कुछ आता है। तो बेटा पोता बेटी पोती इसमें से कोई भी हो, औलाद में से कोई हो, तो शौहर को कितना मिलेगा? 1/4। ठीक है, अब बाप को कितना मिलेगा? बाप को 1/6 मिलेगा। बाप की कितनी हालतें हैं? बाप की कितनी हालतें हैं? कौन कौन? मुतलक नहीं, अल फर्जुल मुतलक बोलते हैं उसको। ये अल फर्जुल मुतलक माने क्या? अल फर्जुल मुतलक जब दिया जाएगा फर्ज मुतलक, तो उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा? कितना रहेगा? 1/6 है ना, सुदुस। और ये कब मिले जानो? ये जब भी किसी का नाम आए ना, तुम लोग अभी मश कर रहे हो ना, जब किसी का नाम आए तो उसके जितने अहवाल हैं तेज तेज पढ़ो ताकि सुना जाए, और आपको बार बार रिपीट होगा, याद होगी वो चीजें। यही लगाने का तरीका है इसके। एक बार ऐसे 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 एक बार पढ़ा करके अगर गुजर जाऊंगा तो फिर कभी नहीं याद होगा, और ना कुछ मसला हल कर पाओगे, तो सब बेकार हो जाएगा। तो अब का आया तो आपने लिख दिया उसमें 1/6, खाली 1/6 मिलेगा, 1/6 मिलेगा खाली इसको। बाप को सिर्फ 1/6 मिलेगा? नहीं, अहवाल पढ़ो अभी, क्लियर हो जाएगा। तो इन तीनों में से कौन सी हालत सबसे ज्यादा फिट हो रही है? अल्फर्जुल मुतलक कब मिलेगा? जब बेटा पोता होगा तो उसको अल्फर्जुल मुतलक मिलेगा, अल्फर्जुल मुतलक। और जब बेटी पोती मुसी कोई होगी तो अल्फर्जुल मुतलक व तासीब लिखाया है, यानी 1/6 और असबा। तो और अगर फरा में से कोई नहीं है तो असबा। तो इन तीनों हालतों में से कौन हालत, पहली की दूसरी की तीसरी, कौन ज्यादा सेट हो रही है बाप के लिए? दूसरी हालत में कितना बाप पाएगा? हाँ तो 1/6 प्लस प्लस असबा कर लो, या वाव वा असबा कर लो। चलो बिंतुल इब्न को कितना हिस्सा मिलेगा? अभी नहीं लिखाया, पोती के हिस्सा लिखा दिया, पोती का हिस्सा। तो पोती का हिस्सा जो अभी नहीं लिखा है इसको कट मार दो, ठीक है? जब पोती का हिस्सा कट का निशान लग गया है ना, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें आपने ये सीख लिया ऐसे मसले में जौज अब और बिंतुल इब्न। लेकिन देखो बिंतुल इब्न जो, हेलो हेलो, जो भी, अरे भाई मजलिस में बैठ के मत पढ़ा करो यार, एकांत में कहीं बैठ के पढ़ो। वैसे मेरे कान में सबकी आवाज आ रही है, मैं क्या बताऊं? मोबाइल अपने म्यूट कर लो मोबाइल, ताकि यार एकदम आवाज साफ आए, आप ही लोगों की आवाज। हाँ ठीक है, मुझ तक आवाज आए। चलो अगला मसला लिखो, अगला मसला अब्दुल अजीज हाईलाइन पे नहीं है, सिराज रब्बानी बोलो जी, हाजिरी बोलो, सिराज रब्बानी। अच्छा, चलो हाँ सिराज रब्बानी बोल रहे हो। चलो चलो सब लोग मसला लिखो, और तुम ये मसला बताओ, सिराज रब्बानी ये मसला बताएगा। लिखो मसला, लिखो जौज जौज
और अख मिनल उम, हाँ अख मिनल उम, अख ले उम या अख मिनल उम कोई भी कहा जाए तो ये औलादुल उम में आएगा, ये औलादुल उम में है ना ये। और इसकी भी हालत मैंने आप लोगों को लिखाई है, अख मिनल उम की भी लिखाई है और उख्त मिनल उम की भी लिखाई है। चलो सिराज रब्बानी, बाकी लोग सुने, तुम बताओ इसमें किसी किसी का औरत का इंतकाल होता है, उसका शौहर है, उसका एक अखियाफी भाई है, शौहर को कितना मिलेगा और अखियाफी भाई को कितना मिलेगा हिस्सा? हाँ हाँ जी बताओ। अल फर्जुल मुतलक, इसमें शौहर और नहीं लिखाया गया है जी, अब में वो लिखाया गया है। अच्छा, अभी ऐसे बताओ शौहर की कितनी हालत है, जौज की कितनी हालत है, कौन कौन? हाँ जौज की दो हालतें हैं, जौज की दो हालतें हैं, जौज की दो हालतें हैं। अगर मैयत की औलाद में से कोई है तो एक बटे चार, और अगर मैयत की औलाद में से, औलाद मतलब बेटा बेटी पोता पोती अगर से निचले दर्जे के हों, ये औलाद में है ना, तो अगर मैयत की औलाद में से कोई है तो जौज को एक बटे चार मिलेगा, और नहीं है तो जौज को एक बटे दो मिलेगा। बस यही दो ही हालतें हैं, और क्या करना है इसमें। तो ये बताओ इस मसले में इन दोनों हालतों में से जौज के लिए कौन सी हालत सेट है, कितना पाएगा जौज? जौज एक बटे चार पाएगा, क्योंकि मैयत की कोई औलाद है उसके वारसा में, कौन? औलाद में इसमें तो कहीं बेटा मैंने लिखाया ही नहीं है जी, सिर्फ दो लोगों को लिखाया है। देखो इस आफाक, आफाक इस मसले में कितने लोगों को बोला हूं मैं, सिर्फ दो लोगों को ना। पहले मसला ठीक से नोट कर लो जी सिराज, जौज है, एक औरत का इंतकाल होता है और उसके वारसा में सिर्फ दो हैं और कोई नहीं है, एक है जौज और एक है अख मिनल उम यानी अखियाफी भाई, ठीक है। अब बताओ जौज को कितना हिस्सा मिलेगा, जौज को एक बटे चार मिलेगा। अच्छा बताओ क्यों मिलेगा एक बटे चार? क्योंकि मैयत की औलाद है उसके वारसा में। अरे यार तो सिर्फ दो ही पॉइंट पे गौर करो ना, इसमें देख लो कि मैयत की औलाद है कि नहीं है, मैयत की औलाद अगर ना हो तो एक बटे दो, और अगर औलाद हो तो एक बटे चार। तो यही खाली चेक कर लो कि इस मसले में जो मैंने अभी आपको लिखाया है उसमें से मैयत की कोई औलाद, बेटा बेटी पोता पोती ऐसा कुछ बोला है मैंने मसले में? दो है। अरे भाई एक एक औरत का इंतकाल होता है, उसका शौहर है और उसका अख भाई, ये दोनों उसकी औलाद है क्या? किसी किसी औरत के लिए उसका शौहर उसकी औलाद होता है? नहीं। और किसी औरत के लिए उसका अखियाफी बहन, भाई बहन उसकी औलाद में से है? तो ऐसा नहीं कि तुम औलाद से क्या समझते हो कि कोई भी उस औलाद हो गया। औलाद का मतलब यार होता है बेटा बेटी पोता पोती पड़ पोता पड़ पोती, ये सब औलाद में है ना। मैं इसमें शौहर का हिस्सा देने के लिए, जौज का हिस्सा देने के लिए खाली यही देखना है कि मैयत, अच्छा मैयत के वारसा कौन कौन लिखाया मैंने सिराज रब्बानी?
जौज लिखाया है, अब नहीं लिखा है। मैं कुछ बोलता हूं तुम लोग लिख लेते हो कुछ, क्या? हाँ, मैं अख मिनल उम बोला हूं, अब नहीं बोला हूं यार, अब उन नहीं बोला हूं मैं, अब जो बोला हूं उससे पहले वाले मसले बोला था। हाँ, इसमें सिर्फ बोला हूं जौज और अख मिनल उम। सराज रब्बानी, अख मिनल उम को 1/6 मिलेगा ना? कैसे जाने 1/6 मिलेगा? लड़का कहां है? अखियाफी भाई, अखियाफी भाई बहन की तीन हालतें हैं ना, उनमें एक है, एक हाँ एक है तो 1/6, दो या दो से ज्यादा है तो उनको 1/3 मिलेगा, और अगर बेटा बेटी पोता पोती या बाप दादा मौजूद है तो उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, मौजूद हो जाएंगे। इन तीनों हालतों में से सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सी हालत बैठ रही है? पहले नहीं, 1/6। तो जौज कितना मिलेगा? जौज कितना मिलेगा? 1/4 और 1/2 में इतना कंफ्यूज हो जाते हो यार, तो बड़ा गड़बड़ है ये। जौज को 1/4 मिलेगा, जौज कितना मिलेगा? 1/4, और अख मिनल उम को 1/6 मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस मसले में आपसे पूछ लू कि आप 1/2 मिलेगा जी, 1/4 नहीं, जौज को 1/2 मिलेगा, उसकी औलाद नहीं ना है मैयत की? नहीं, तुम लोग 1/4 कह रहे हो, कभी कोई बोल रहा है ना 1/4? वो कह रहा नहीं, वो कह रहा हूं 1/4 जो कह रहा है, कह रहा हूं 1/4 जौज को 1/4, ये गलत है। 1/2 मिलेगा और 1/6। अच्छा ये बताओ कितना कितना माल बाकी है? अगर किसी को 1/2 मिलता है और किसी को मिलता है और 1/6 किसी को देता है, तो उसके माल में कितना बाकी माल है? 1/2 और 1/6 माल खर्च हो गया उसका, तो कितना माल उसका बाकी है? इसको जोड़ लो, 1/4/6 माल क्या हो गया? 4/6 कितना हो गया खर्च हुआ, कितना बाकी है? कितना बाकी है? अगर 4/6 माल खर्च हो जा रहा है तो कितना बाकी माल बचा? कितना माल उसका बाकी बचा है? उसका 2/6 माल बाकी बचा है, क्योंकि 6/6 होने के लिए कितना चाहिए? 6/2 कि 2/6 है? 2/6 माल बाकी है। अच्छा ये बताओ, किसी का 1/4 माल खर्च हो गया है तो कितना माल बाकी है? ऐसे बताओ, 3/4 बाकी है ना? तब ना 4/4 होगा। तो अगर किसी का 4/6 माल खर्च हो गया, इसका मतलब 2/6 हिस्सा और बाकी है उसका। अगर किसी का 2/3 हिस्सा खर्च हो गया तो कितना बाकी है? 1/3 बाकी है ना? तो ऐसे तुम लोग पता लगा लेना कि कितना खर्च हुआ, कितना बाकी। अच्छा एक मसला और बताओ, एक और बताओ, जौज और अखवाने लहू, लिखो इसको, जौज और
और अखवाने ले उम, अखवाने अरे ले उम लिखो या मिनल उम लिखो, एक ही बात है। अखवाने ले उम, इसमें किसको कितना मिलेगा? आफाक, आफाक जौज को कितना मिलेगा? एक बटे दो मिलेगा। और अखवाने लोग कितना मिलेगा? एक बटे तीन। एक बटे दो और एक बटे तीन, ठीक है। अच्छा, इनका इतना माल एक बटे दो और एक बटे तीन को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? एक बटे दो और एक बटे दो और एक बटे तीन को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? कितना? ज़ौज और अखवाने लुम, ये दो मसले हैं। अगर इनको हिस्सा दे दिया जाए किसी का, किसी की जायदाद में से, तो कितना खर्च होगा और कितना बाकी बचेगा? और एक बटे छह बाकी बचेगा, ठीक है। तुम लोग इसको लगाओ, और अभी अभी तुम लोगों में से आफाक और तुम लोगों में से अभी तुम लोगों के साथियों में से बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये किसी की औलाद है या क्या है, इसे क्लियर करना। और फिर मैं अभी इसकी मश्क कराऊंगा, ठीक है। कुछ मसले और बोलूंगा ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह से मश्क हो जाए, ठीक। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।